हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजय और आपका संजय पेट वार्डो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये मेरी मोली बलून मोली फिश के बच्चे हैं और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे बच्चे पैदा हुए पैदा किए हैं इस बार फिश ने। और ये कौन सी फिश के बच्चे, ये देखिए, इसमें एक ब्लैक मोली फिश है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए, इसे एक धुंधली धुंधली फिश दिख रही होगी, ये सभी बच्चे इसी फिश के हैं। ये देखिए, ये वाली फिश है, इसने ही ये सब बेबी दिए हैं। लगभग 30 के आसपास इसमें बेबी हैं, 30 बच्चे दिए हैं इसने। अभी ऊपर है और कुछ नीचे हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, नीचे भी गए हुए हैं। तो 30 के आसपास इसने बच्चे दिए हैं, तो इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे यहाँ पे पहली बार। और देखिए, अभी भी इसमें बच्चे हैं, बच गए हैं। इसमें ही सबको बेबी को दिया था और इसमें से मैंने चाय छालने वाली छलनी जो होती है उस छलनी से इसमें बच्चों को ट्रांसफ़र किया है। अभी भी एक दो बच्चा इसमें रह गया है, शायद 3 या 4 बच्चा होगा इसमें कम से कम, तो वो शायद इसको नहीं खाएगी। मैं एक दो बच्चा इसमें रख के देखूंगा उनका क्या प्रोग्रेस रहता है, इनको ये लोग खाते हैं या नहीं खाते हैं। इसमें 4 फीमेल हैं और एक मेल है फ्रेंड्स, और सभी बलून मोली हैं। बलून मोली फिश को मैंने इसमें रखा हुआ है और ये उसका रिजल्ट ये है, ये देख सकते हैं आप। बलून मोली फिश के हमें बच्चे मिल गए हैं, 30 बच्चे मिल गए हैं। और अभी मैं इनको क्या खिलाता हूँ क्या नहीं खिलाता हूँ वो सब पे वीडियो बनाएंगे। पहले आप टैंक के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ये देखिए, इसमें पूरा ग्रीन एल्गी फैली हुई है, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी हुई है मैंने। ये भी ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोटीन फूड होता है जिनको ये खाते हैं। और बच्चों को मैंने लगभग एक दिन हो गया है, एक दिन से मैंने कोई खाना वगैरह नहीं दिया है। और जो इसमें जो ग्रीन एल्गी है, इस एल्गी को खा के ही, मतलब जो काई वगैरह हैं उसको खा के ही ये लोग जिंदा हैं। और अभी तक पूरा एक्टिव है, देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ये देखिए, पूरा एक्टिव है। और इनको भी मैं नॉर्मल ही पैलेट फूड दे रहा हूँ, मतलब दाना दे रहा हूँ। और इनको भी मैं दाने को अभी क्रश करके देंगे, आपके सामने दिखाऊंगा मैं कैसे करके देना है। तो आप देख लीजिए, ये वाला मेल है, ये देखिए, ये वाला मेल है हमारा, बलून मोली का मेल है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको इसमें मैंने कैसे इनको देना है। पहले तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको एक दिन हो गया है, एक दिन के बाद में इसका लगभग 10 या 20% पानी चेंज करना है। तो चलिए इसको पानी चेंज करने के लिए ले चलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पानी चेंज करने के लिए हम थोड़ा सा इसका धीरे धीरे करके पानी गिराएंगे, एकदम से चेंज नहीं करना है, ना एकदम से गिराना है, ताकि बच्चे ना निकल जाए हमारा, उसका ध्यान रखना है। तो बच्चे जब निकलने लग जाए तब पानी को गिरने से रोक देना है। ज़्यादा पानी नहीं निकालना है हमको, 10% 15% निकालना है। तो देखिए, बस इतना ही पानी निकालना है और इसमें से धीरे धीरे पानी ऐड करना है। देखिए, धीरे धीरे पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि बच्चों को सोख ना लगे, नहीं तो बच्चे को बहुत जल्दी सोख लग जाता है फ्रेंड्स। और ऐसे ही धीरे धीरे पानी चेंज करेंगे तो ऐड करेंगे तो बच्चों को पता भी नहीं लगेगा कि पानी का पानी चेंज हुआ है और पानी की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कितना स्लोली इसमें पानी गिर रहा है, ये देखिए, बहुत स्लोली इसमें पानी गिर रहा है। ऐसे ही बहुत ही धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करना है, इसमें टाइम लगेगा लेकिन हमें टाइम देना है फिश को, क्योंकि फिश की हॉबी जो है वो भी इतना इजी नहीं है। देख सकते हैं बच्चे, देखिए इस बार सभी बच्चे ऊपर आ गए हैं, काफ़ी बच्चे हैं हमारे पास में। तो चलिए, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करता हूँ, थोड़ा पॉज करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका पानी चेंज कर दिया, जितना था उतना डाल दिया है फिर से पानी, थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और बच्चे देखिए सब नीचे चले गए हैं, आपको दिख रहे होंगे बच्चे, और अभी ऊपर आ जाएंगे धीरे धीरे। और अभी इसका पानी भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, गंदा तो नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा ही इसमें एल्गी आ गई है, तो इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। लगभग 30% इसका भी पानी चेंज करके हम, ज़्यादा डार्क ग्रीन है उसको निकाल लेंगे हम इसमें से पानी को। तो चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं एक पाइप की मदद से, तो पाइप वगैरह का जुगाड़ कर लेता हूँ पहले ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फिश पैलेट ले लिया है बच्चों के लिए, और इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, मतलब पूरा चूरा बना देंगे। तो मुझे और कुछ नहीं मिला, एक ये स्टिक मिली। तो इतना पैलेट नहीं देना है हमें, ज़्यादा थोड़ा मैंने ले लिया आपको दिखाने के लिए, इसका हाफ ही देंगे। और लगभग 4 या 5 घंटे बाद देंगे, दिन में 3 बार मैं इनको फीड करवा रहा हूँ। बार बार फीड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है हमें, क्योंकि इसमें ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी आपके पास में नहीं है तो आप थोड़ा धूप में अगर पानी को रखेंगे 3-4 दिन तक तो ग्रीन एल्गी बन जाती है अपने आप ही। तो ये देखिए,
ये देखिए मैंने बिल्कुल चूरा कर लिया है इसको। अभी हम यही वाला इकट्ठा करके हम इनको देंगे। ये देखिए ऐसे करके बच्चों को देना है। तो आपको इतना दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, ये देखिए ये दे दिया हूँ मैं। बच्चे आएंगे इसको खाने के लिए। तो अभी इतना दिख नहीं रहा है कौन सा वाला खा रहा है कौन सा वाला नहीं खा रहा है। ये वाला देखिए, ये वाले ने खाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, तो ऐसे ही ये सब, ये देखिए ये सब खाना स्टार्ट कर दिया है पैलेट्स को। वैसे ही आपको इनको सबको पैलेट्स देना है, इतना ही छोटा टुकड़ा करके देना है ताकि इनमें मुँह में आ जाए। तो आप देख पा रहे होंगे इनके सबके मुँह के साइज़ का टुकड़ा है, बिल्कुल पाउडर साइज़ का है। और ये सब देखे, ये सब खाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ऐसे ही दाना देना है।